इंदौर में 10 और 11 मार्च को जमकर उत्पात मचाने वाले तेंदुआ भले ही रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया हो, लेकिन 11 मार्च को वन विभाग की पकड़ में आने से पहले तेंदुए ने 4 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था, जिसमें एक महिला पुरुष के साथ ही तेंदुए के निशाने पर 11 माह की मासूम भी आ गई थी। वही तेंदुए ने वन विभाग के कर्मचारी प्रकाश पर भी हमला बोल दिया था, जिसमें आज 11 माह की बच्ची की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। तेंदुए के हमले से घायल 11 माह की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल खुखार तेंदुए के हमले से सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां गुरुवार रात को 11 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई। मासूम का नाम भूमिका बताया गया है और गुरुवार रात को 3 बजे उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के मुताबिक भूमिका की आंत में इन्फेक्शन हुआ था। बता दें कि चोइत्राम अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था और ऑपरेशन के बाद उसके स्वस्थ होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन नियति के आगे सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया और भूमिका ने अंततः दम तोड़ दिया। सर, ये तो 11 तारीख को मतलब 9:30 बजे लगभग तेंदुआ आ गया था, अपने अंदर ही घुस गया था घर में आके, तो बच्ची पे भी हमला कर दिया। 2 बच्चियां थी अंदर और ने फिर पापा आए थे बचाने, तो लगभग पापा को भी काट खाया हाथ में, तो बच्चियों को भी मतलब पेट में भी लग गया पंजा और यहाँ भी लग गया सिर पे। तो उसको मतलब एक बच्ची मेरे 13 साल की बहन है, तो उसको भी मतलब पेट पे भी बहुत ज़्यादा लग गया है, तो उसका भी मतलब ऑपरेशन हुआ है। तो पापा का भी गुड़िया का नाम भूमिका था और छोटी सिस्टर है आरती सुखलाल और एक पापा है सुखलाल गाड़ेकर करके, तो उनको सर दोनों को डिस्चार्ज कर दिया। अब बच्चे का तो सर ठीक है, अब हो गया, लेकिन मेरा पापा और सिस्टर का मतलब डबल से इलाज होना चाहिए अगर और उनको दिक्कत आई तो। जी हाँ सर, तो मतलब सर उनको तो कल ही डिस्चार्ज करा उनको, मतलब अभी उनके भी मतलब हालत ये है थोड़ी, तो उनको भी टीका डोज वगैरह कुछ लगाना है। तो सर सुनील गाड़ेकर। बता दें कि खंडवा रोड स्थित रानी बाग लिम्बोदी में 10 मार्च को तेंदुआ एक फार्म हाउस में दिखा था और उस दिन रात में भी सर्च ऑपरेशन चला था, लेकिन अगले दिन सुबह तेंदुआ रानी बाग में शिवधाम कॉलोनी तक पहुंच गया था और वहां उसने आदमखोर रुख अख्तियार कर लिया था और तेंदुए ने लोगों पर हमला बोलना शुरू कर दिया था। तेंदुए ने निर्माणाधीन भवन में घुसने से पहले तेंदुए ने आरती नामक महिला और उसकी 11 माह की बच्ची पर हमला बोल दिया, जिससे उसको चोट लगी थी, जिसके बाद गुरुवार रात को निजी अस्पताल में भर्ती 11 माह की भूमिका ने आज दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। बाइट लगाएं। फिलहाल इलाजरत मासूम की मौत हो जाने के बाद तेंदुआ न सिर्फ एक परिवार और शहर को दर्द का दंश देकर गया है, बल्कि उसने एक माँ से उसका जिगर का टुकड़ा भी छीन लिया है। बेसिकली भूमिका गाड़ेकर करके बच्ची आई थी हमारे पास में, 11 तारीख को आई थी लेपर्ड बाइट की वजह से, और उसके अंदर मल्टीपल बाइट्स थे, उसकी वजह से उसको परफोरेशन पेरिटोनाइटिस डेवलप हो गया, जिसके लिए जो लेप्रोटॉमी नाम का प्रोसीजर होता है वो हमको करना पड़ा, और उसके बाद में भी ट्रीटमेंट को हम पूरा कंटिन्यूस हमने किया, बट चूँकि कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी तो इसकी वजह से हम नहीं बचा सके। मेरी हार्दिक संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं और हम कितने दांत लगे थे मतलब उसके परिजन के? मल्टीपल बाइट्स थे उसके अंदर। इन्फेक्शन कहाँ से हुआ उसको? इन्फेक्शन जहाँ जहाँ बाइट होती है ना, जिसमें इंटेस्टाइन वगैरह सब जगह पे जहाँ पे बाइट होती है उसमें अल्टीमेटली इन्फेक्शन हो जाता है और वो सेप्सिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे 11 तारीख को हुआ था, आज 17 तारीख हो गई, 5-6 दिन में मतलब हाँ इंप्रूवमेंट नहीं? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, कंटिन्यूस चीज़ें डिटोरिएट होती गई, अपने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट किया, तो कई बार क्या होता है जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, सेप्सिस ज़्यादा हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता। उनके साथ में उनके नाना जी और वो भी आई थी, हाँ वो ठीक होके गए। हाँ अभी मैं इनके बारे में चर्चा करूँगा, वो ज़्यादा बेहतर है, है ना? तो अभी ट्रीटमेंट आगे फिर हाँ उनका ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर राजपाल कर रहे हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए जो बेहतर जो चीज़ें चल रही हैं वो डॉक्टर राजपाल बता पाएंगे, है ना? तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं डॉक्टर अमित भट्ट, यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।